वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं WWE रेसलमेनिया 40 नाइट 1 के टैग टीम मैच को लेकर, जो कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम मैच का लैडर मैच देखने को मिला। इसमें विनर कौन कौन से देखने को मिले, सो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो गाइस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस जो थी वो यहाँ पर पहले ही निकाल लिया गया था, जो कि ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर की तरफ से, और वो बन गए थे न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन। अभी रॉ टैग टीम टाइटल्स बस ऊपर लटकी हुई थी, उसको निकालना था। तो उसको निकालने के लिए भाई और भी बहुत अच्छे खासे स्पॉट्स देखने को मिले, इवन लैडर टूटते हुए दिखाई दिया, काफ़ी कुछ बढ़िया यहाँ पर ओवरऑल मैच चला। और इस मैच का जो एंडिंग देखने को मिला, मैच के एंडिंग में हमें यहाँ पर स्पेशल थिंग देखने को मिला कि भाई द मिज एंड आर ट्रूथ इस मैच को जीतते हुए दिखाई दिए, स्पेशली आर ट्रूथ जाके यहाँ पर टाइटल्स को निकालते हुए दिखाई देते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा मोमेंट देखने को मिला, तुम समझ रहे हो भाई, आर ट्रूथ यहाँ पर जाके टाइटल्स को निकालते हुए दिखाई देते हैं, और वो बन चुके हैं न्यू टैग टीम चैंपियन, रॉ के न्यू टैग टीम चैंपियन, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। बाकी इसको लेकर आप लोग क्या ओपिनियन, क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, रेल या सौ फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड, स्टार्टअप